नमस्कार, मैं सुगंध आनंद, आईआईडी यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप सभी का स्वागत करती हूं। आईआईडी हर बार बस यही कोशिश करता है कि हमारा हिंदुस्तान ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बन सके, क्योंकि आपका प्रयास और हमारा साथ हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने में एक अहम योगदान देगा। इस वजह से आज एक बार फिर से आईआईडी हाजिर है आप सभी के बीच एक नई डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। टेक्नोलॉजी के निरंतर विकास की वजह से आज भारत पूरी दुनिया में एक प्रगतिशील देश के रूप में अपनी जगह बना चुका है। लाइट्स, मोबाइल्स, एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, फैन, लैपटॉप आदि तमाम तरह की भौतिक सुविधाओं का यहाँ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाना हमारे देश की तकनीकी प्रगति का प्रमाण है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि इन सभी अप्लायंसेस का उपयोग करने के लिए जिस एक इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है वो है स्विच बोर्ड। इस तरह हमारी जिंदगी में जितनी जरूरत इन सारे अप्लायंसेस की होती है उतनी ही जरूरत एक स्विच बोर्ड की भी होती है। जिस तरह से इन सारे गैजेट्स का बढ़ता इस्तेमाल हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है, तो ये कहना गलत ना होगा कि स्विच बोर्ड्स आने वाले वक्त में भी अच्छी खासी डिमांड में रहने वाले हैं। और इसीलिए आईआईडी आज आपके लिए लेकर आया है स्विच बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर बेस्ड ये खास डॉक्यूमेंट्री, जिसमें हम आपको इस बेहतरीन व्यवसाय से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। चलिए बिना देरी किए सबसे पहले जानते हैं कि स्विच बोर्ड्स को आखिर किस तरह से बनाया जाता है। इन बोर्ड्स को बनाने के लिए जाहिर है आपको सबसे पहले जरूरत होगी रॉ मटेरियल्स की, जो हैं प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स, ब्रास एंड आयरन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, और पैकेजिंग के लिए कॉर्यूगेटेड बॉक्स एंड पॉलीफिल्म। और साथ ही आपको इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनों में चाहिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, टेस्टिंग मशीन, सिरेमिक इंसर्ट्स, प्रोफाइल डाइज, हैंड टूल्स जैसे टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर, नाइफ आदि। चलिए अब देखते हैं इसे बनाने का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले आपको बताए गए रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करना होगा। स्विच बोर्ड को बेस प्लेट, कवर प्लेट, स्विचेस, सॉकेट्स आदि को असेंबल करके बनाया जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट डिजाइन के अनुसार अलग अलग पार्ट्स के डिजायर्ड शेप की डाई को मार्केट से प्रोक्योर करना होगा। आप चाहें तो इसे इन हाउस भी CNC मशीनिंग सेंटर की सहायता से बना सकते हैं। अब इन डाइज को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डिजायर्ड लोकेशन पर माउंट किया जाता है। फिर हॉपर की सहायता से प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में फीड किया जाता है, जो बैरल में कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर मेल्ट होता है। अब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन द्वारा इस मोल्टन प्लास्टिक को डाई में इंजेक्ट किया जाता है, जहां से ये डाई की शेप ले लेता है। अब इसे ठंडा करके मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है। अब इन मोल्डेड प्रोडक्ट्स की एक्सेस लाइंस और अनर पार्ट्स को मैन्युअली रिमूव कर दिया जाता है और इन पार्ट्स की फिनिशिंग की जाती है। फिर इनमें ब्रास और आयरन के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को फिट किया जाता है। इसके बाद बेस प्लेट, फ्रंट प्लेट, स्विचेस और सॉकेट्स को असेंबल किया जाता है और बोर्ड को फाइनल शेप दी जाती है। फिटिंग करने के बाद इन बोर्ड्स की टेस्टिंग की जाती है और फिर क्वालिटी चेक करके इन्हें आगे पैकेजिंग के लिए प्रोसीड कर दिया जाता है, जहां से ये लेबल्ड पैकिंग के बाद मार्केट में सेल के लिए डिस्पैच कर दिए जाते हैं। अगर हम मार्केट स्कोप की बात करें तो मैं पिछले 8 साल से व्यापार कर रहा हूँ, इस व्यापार के अंदर हूँ। मैंने आज तक इस व्यापार में मंदा नहीं देखा है। अभी कोरोना के चलते हुए बहुत बहुत सारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा, बट हमारे इस बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट बहुत कम पड़ा। जब भी कोई घर बनता है, अगर 500 स्क्वायर फीट का भी घर बन रहा होता है, तो उसमें 10-15 हज़ार रुपये का, 20 हज़ार रुपये तक का इलेक्ट्रिकल का सामान आराम से लग जाता है। प्रोसेस के बाद बात करते हैं अन्य जानकारियों की। स्विच बोर्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल लोड में आपको 22 से 25 किलोवाट पावर कनेक्शन की जरूरत होगी। मैन पावर की बात करें तो इस व्यवसाय के लिए आपको 15 से 20 कारीगरों की जरूरत होगी, जिसमें 1 से 2 मशीन ऑपरेटर, 4 से 5 हेल्पर, 1 सुपरवाइजर, 1 टेक्निकल स्टाफ और अकाउंटेंट शामिल है। साथ ही 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया में आप इस व्यवसाय को आसानी से शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपका रॉ मटेरियल स्टोरेज, प्रोडक्शन और पैकेजिंग का एरिया भी शामिल है। स्विच बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 80 से 90 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा और इस व्यवसाय से आप 10 से 12% एनुअल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर व्यवसाय को सरकारी अनुमति की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही इस व्यवसाय में आपको जिन लाइसेंसेस की आवश्यकता होगी वो हैं GST, BIS और NOC फ्रॉम फायर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। हमारी स्विच बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में इतना ही।
अगली बार हम फिर एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। देश के सबसे पहले वर्चुअल इंक्यूबेटर IID की हमेशा कोशिश रहती है कि आपको यूनिक और फायदेमंद बिजनेस आइडियाज की जानकारी देता रहे, और अपनी इस मुहिम में हम पूरी तरह से संलग्न हैं। अगर आप किसी भी व्यवसाय को लेकर कोई जानकारी चाहते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जुड़िए IID से। IID की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की सहायता से हमारे वैल्यूएबल मेंबर बनिए और पाइए इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट एपिसोड्स और ढेर सारी बहुमूल्य सेवाएं। साथ ही डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर।